न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और बात करते हैं रीवा की, जहां 11 जून को कलेक्टर मनोज पुष्प ने महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जिले की सभी आंगनवाड़ियों में चलाए जा रहे विशेष वजन अभियान के तहत बच्चों के वजन किए जाने की गतिविधियों का मौके पर जाकर अवलोकन कर रहे हैं। उन्होंने सिमरिया के आंगनवाड़ी केंद्र में विशेष अभियान के तहत वजन के लिए किए जाने वाली गतिविधियों का अवलोकन किया और साथ ही निर्देश दिए कि ग्राम एवं नगर में अधिकतम इसका प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि सभी अभिभावक अवगत हों और कोई भी बच्चा विशेष अभियान के तहत वजन लिए जाने से ना छूटे। उन्होंने गांव में मुनादी कराने, नारा लेखन, गृह भेंट कर अभिभावकों को वजन वृद्धि निगरानी का महत्व बताने और सभी बच्चों के सही वजन को दर्शित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि बच्चों के वजन को नियमित लेकर पंजी में भी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं से विशेष अभियान के तहत बच्चों के लिए किए गए वजन और पंजी में दर्ज संख्या के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन भी उपस्थित रहे। प्रदेश शासन के द्वारा बच्चों के वजन और उनके वेट का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत हुई है। और इसके द्वारा जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका माल न्यूट्रिशन का केस बन सकता है, उन सभी की पहचान की जा रही है। उनको कोशिश की जाएगी कि सभी को जब NRC भर्ती करके और अदर सुविधाएं प्रदान करके उनके जो हेल्थ के इश्यूज हैं उसको कैटर करके इन सभी को अच्छे स्वस्थ बच्चे बनाकर और भारत के अच्छे नागरिक बनाने की कोशिश होगी। इसमें हम लोग स्थानीय स्तर पर भी एक विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत इन सभी बच्चों को किसी न किसी अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति जो आंगनवाड़ी या जिन्होंने गोद लिया है वो इनके संपर्क व्यक्ति बनेंगे, उनके घरों में भी जाएंगे, इनसे मिलेंगे और अगर इनके कोई हेल्थ इशू हैं तो उसको हम देखेंगे और अगर इन्हें किसी अलग से सहयोग की ज़रूरत है, किसी सपोर्ट की आवश्यकता है न्यूट्रिशन इनकी बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए NGO के माध्यम से या जो अन्य व्यक्ति हैं जिन्होंने की आंगनवाड़ियाँ अडॉप्ट की है उनके माध्यम से इनकी मदद भी करेंगे। रीवा ज़िले में हमारी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं रहे और जो बच्चे अभी कुपोषण के ग्रुप में हैं उनको उससे बाहर निकालें।